हेलो एंड वेलकम दोस्तों, ध्रुव सोरे 859, सचिन बेबी 830, प्रशांत चोपड़ा 783, अंकित कलसी 703, सौरभ तिवारी 653, अजिंक्य रहाणे 634, इसके अलावा पृथ्वी शॉ 595 और सरफराज खान 556, ये वो खिलाड़ी रहे हैं इस साल के रणजी सीजन में जो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में रहे हैं। लेकिन ये सारे नाम आपको पता है, इनमें से कुछ नाम आप देख रहे हैं कोई 5 साल से खेल रहा है तो कोई 10 साल से खेल रहा है, लेकिन इस साल के रणजी सीजन में कौन से वो 5 खिलाड़ी रहे हैं जो इमर्जिंग प्लेयर हैं और साथ में टॉप रन बनाने वालों की सूची में भी सबसे ऊपर रहे हैं, उन खिलाड़ियों की बात आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूं 5 इमर्जिंग प्लेयर जो आपको आगे आने वाले टाइम में अलग अलग जगह पर खेलते हुए दिखाई देंगे और मे बी इंडिया की क्रिकेट के फ्यूचर हो सकते हैं। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप सब लाइक और शेयर जरूर करिएगा। एज यूजुअल हम नंबर 5 के साथ शुरू करेंगे और नंबर 5 पर पहला नाम है प्रियांशु मोलिया और 17 साल के प्रियांशु मोलिया। यह सबसे खास बात है, पहला रणजी ट्रॉफी का सीजन और पहला गेम सेंचुरी निकली इस खिलाड़ी के बल्ले से और इन्होंने एक बड़े खिलाड़ी के रिकॉर्ड को बराबर किया। नारी कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने अपने रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में लगातार 2 सेंचुरी बनाई थी, इन्होंने पहले 2 मैचेस में 2 सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बनाया इस सीजन। 13 साल के थे जब इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, डीके गायकवाड़ क्रिकेट टूर्नामेंट में इन्होंने 556 रन बनाए से 318 गेंदों पर और उस वक्त इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा था जो इससे पहले पृथ्वी शॉ के नाम था, जिन्होंने 546 रन किए थे अंडर 16 हैरी सील्ड एलीट डिवीजन टूर्नामेंट में जो कि उन्होंने 2013 में बनाए थे। तो इस तरह के बड़े बड़े रिकॉर्ड ये सिर्फ इतनी छोटी उम्र में ऑलरेडी बना चुके हैं। पहले सीजन में इस तरह का खेल इनसे देखने को मिला। ओरिजिनली राजकोट से आते थे लेकिन इनकी फैमिली मूव कर गई फॉर बेटर क्रिकेट अपॉर्चुनिटी। बड़ोदरा जाकर के इन्होंने लाला अमरनाथ क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन लिया और 5 साल की उम्र से इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। तो बहुत छोटी उम्र से क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। हो सकता है कि आपको अगले साल होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आए। इस साल के इनके प्रदर्शन की बात करें तो 7 मैचेस में 11 इनिंग में 479 रन इनके बल्ले से निकले, 47.50 की एवरेज रही, 51.45 का स्ट्राइक रेट रहा, 201.50 इनके बल्ले से निकले। काफी नीचे बल्लेबाजी इन्होंने की थी शुरुआत के कुछ मैचों में, बाद में प्रमोशन भी हुआ लेकिन आखिर में आते आते परफॉर्मेंस शायद उतनी अच्छी नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी 17 साल का खिलाड़ी, पहला सीजन खेल रहा बच्चा, जिस तरह की परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है अपने आप में लाजवाब परफॉर्मेंसेज हैं। उसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करें और नंबर 4 के प्लेयर की बात करें तो वो खिलाड़ी हैं हार्दिक देसाई। 2018 अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे और उसमें फाइनल में विनिंग रन बनाने वाले खिलाड़ी थे हार्दिक देसाई। भावनगर सौराष्ट्र से आते हैं और उसी साल अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया और क्वार्टर फाइनल का मौका जब उसी रणजी सीजन आया तो वहां पर अपना पहला 100 इन्होंने यूपी के खिलाफ बनाया। उसके अलावा इन्होंने जो अपने क्रिकेट की शुरुआत की थी वो 6 साल की उम्र से कर दी थी। इनके फादर भी विकेट कीपर बैट्समैन थे जो इनको क्रिकेट खिलाने के लिए कोच के पास ले गए और एडमिट कराया भरूच क्रिकेट क्लब में। वहां से इन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की, सौराष्ट्र के लिए अंडर-16 भी खेले और 2016 में जब अंडर-19 टीम का सिलेक्शन हो रहा था उस वक्त ये रेकनिंग में थे लेकिन उस वक्त इनकी एज बहुत कम थी, इस वजह से इनको सेलेक्ट नहीं किया गया और प्रेफरेंस दिया गया था ऋषभ पंत और ईशान किशन को। तो 2 विकेटकीपर ऑलरेडी थे तो तीसरा सेलेक्ट नहीं हो सकता था, लेकिन 2018 अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए इनका सिलेक्शन जरूर हुआ। लेकिन उससे पहले इन्होंने जो क्रिकेट खेली, इंग्लैंड गए थे इंडिया अंडर-19 और इंग्लैंड अंडर-19 के बीच सीरीज खेलने के लिए, वहां पर एक बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस इनके बल्ले से निकली थी जिसकी वजह से इनका इंडिया अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन हुआ था और वहां पर इनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा था। इस साल के रणजी ट्रॉफी के सीजन की बात करें तो 7 मैचेस की 10 इनिंग में
516 रन बनाए हैं, 51.60 की एवरेज रही है, 59.79 का स्ट्राइक रेट रहा है, 3 सेंचुरी इनके बल्ले से निकली हैं और 250 इनके बल्ले से निकले हैं, और 3 सेंचुरी 3 अलग अलग जगहों पर बनी है। दिल्ली के खिलाफ इन्होंने जो सेंचुरी बनाई थी वो होम में बनाई थी, तमिलनाडु के खिलाफ जो सेंचुरी बनी थी वो अबे में बनी थी, और उसके साथ आसाम के खिलाफ जो सेंचुरी बनी थी वो गुवाहाटी में बनाई गई सेंचुरी थी। एक प्रॉपर टेस्ट मैच ओपनर और साथ में विकेट कीपर, ये कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर आपको देखने को मिलता है। टेस्ट क्रिकेट में इन जनरल जो परसेप्शन माना जाता है कि विकेट कीपर आपका ओपनर नहीं हो सकता, क्योंकि लंबी विकेट कीपिंग करने के बाद ओपन करने जाना एक डिफिकल्ट जॉब होती है, लेकिन इस यंग खिलाड़ी ने अभी यंग एज में जरूर करके दिखाया है। तो दोनों स्किल ये लेके आते हैं, टॉप ऑर्डर बैट्समैन एज अ ओपनर खेलते हैं और साथ में विकेट कीपर बैट्समैन। मात्र 23 साल का ये खिलाड़ी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिहाज से बहुत अच्छा होने वाला है। उसके बाद नंबर 3 की बात की जाए तो बी साई सुदर्शन। टेक्निक, टैलेंट और टेम्परामेंट, ये तीनों चीज़ें इस खिलाड़ी में बहुत कूट कूट कर भरी हुई हैं। इस साल के सीजन की बात करें सबसे पहले तो 7 मैचेस में 12 इनिंग में 572 रन इन्होंने बनाए, 47.66 की एवरेज रही, 63.34 का स्ट्राइक रेट, 201/50। मात्र 21 साल के बी साई सुदर्शन, आपने इनको आईपीएल 2022 में खेलते हुए देखा था जो कि इनका पहला सीजन था, और मजे की बात आपको बताऊं ये रणजी ट्रॉफी का भी इनका पहला ही सीजन था, क्योंकि 2019 में एक लोकल टूर्नामेंट में तमिलनाडु में इन्होंने 635 रन की पारी खेली थी। उसके बाद टीएनपीएल में बहुत शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, तमिलनाडु की लिमिटेड ओवर की टीम में इनका आना हुआ और उसके बाद ये आईपीएल में चले गए। सो बाहर से ही बाहर अभी बहुत ज़्यादा तमिलनाडु के लिए क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन जितने भी साइंस इन्होंने दिखाए हैं वो बहुत शानदार रहे हैं। टेम्परामेंट बहुत ज़बरदस्त दिखाया, आपने आईपीएल में भी देखा था कि गुजरात के लिए कुछ पारियां इन्होंने जिस तरह की खेली, और इस साल इन्होंने तमिलनाडु के लिए जो कुछ पारियां खेली हैं बहुत अच्छी रही हैं, और एक चीज़ दिखा के गए हैं कि ये ऑल फॉर्मेट प्लेयर है। आपने इनको T20 भी खेलते हुए देखा, आपने इनको वनडे क्रिकेट भी खेलते हुए देखा, और अभी आपने रणजी ट्रॉफी भी देखा है। तो बहुत यंग है, पहला सीजन खेल रहे हैं, यहाँ से स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है। नाम सुन के लोगों को लगेगा कि ये बहुत साल से खेल रहे हैं, बट पहला रणजी ट्रॉफी का सीजन था बी साई सुदर्शन के लिए, और 572 रन इन्होंने इस सीजन बनाए हैं। उसके बाद नंबर 2 की बात की जाए तो मैन ऑफ क्राइसिस प्रदोष रंजन पॉल। इस साल तमिलनाडु की टीम बल्लेबाजी से बिल्कुल भरी हुई थी, इट वॉज गैलेक्सी ऑफ बैट्समैन, और उन गैलेक्सी ऑफ बैट्समैन के बीच में जो स्टार सुपरस्टार बन के निकला है वो खिलाड़ी रहे हैं प्रदोष पॉल, क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े धुरंधर बैट्समैन के बीच में रन्स बनाना ये बहुत कुछ दर्शाता है। क्योंकि ऊपर से अगर आप देखें, एन जगदीशन, साई सुदर्शन, बाबा अपराजित, बाबा इंद्रजीत, इन सब खिलाड़ियों के जाने के बाद ही आपका नंबर आता है, और ये वो खिलाड़ी हैं जो रन बनाते हैं तो लंबे बनाते हैं, अच्छे बैटिंग विकेट पर ये कभी छोड़ेंगे नहीं। जब जब ये आउट हुए मतलब कंडीशंस बहुत डिफिकल्ट थी, और उन कंडीशंस में इस खिलाड़ी ने इस साल रन बनाए हैं। हर बार जब तमिलनाडु की टीम मुश्किल सिचुएशन में फंसी तब इस खिलाड़ी ने रन बनाए हैं। इनके रन्स की बात करें तो 7 मैचेस की 9 पारियों में 631 रन इनके बल्ले से निकले, 70.11 की एवरेज रही, 54.81 का स्ट्राइक रेट रहा, 3 सेंचुरी इनके बल्ले से निकली और 250 इन्होंने साथ में लगाए हैं। 2019 में डेब्यू किया था इन्होंने रणजी ट्रॉफी में, लेकिन 3 मैच सिर्फ इनको उस साल खेलने को मिले थे। सो फुल फ्लेज्ड सीजन पहला ही था इनके लिए भी, और ये भी बहुत यंग खिलाड़ी है सिर्फ 22 साल के लिए। इनकी बल्लेबाजी की बात करें, जो झलकियां इन्होंने दिखाई हैं, स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं, और खेलने के तरीके में ब्रायन लारा की झलक दिखती है। जिस तरह से हल्का सा फ्रंट फुट प्रेस और फिर बैक फुट पर जाकर ये कट शॉट लगाते हैं, बिल्कुल ब्रायन लारा की याद दिलाता है। और मेरे लिए फाइंड ऑफ द सीजन, बहुत सारे बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं, लेकिन मेरे लिए फाइंड ऑफ द सीजन प्रदोष पॉल ही रहेंगे, क्योंकि जितने भी रन इस खिलाड़ी ने बनाए हैं सब डिफिकल्ट कंडीशंस में, फंसे हुए मैच में,
एक डिफिकल्ट विकेट पर बनाए गए रन्स हैं। आगे जाके देखना पड़ेगा जब ईरानी ट्रॉफी आएगी तो रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम, फिर इंडिया ए, सफर यहां से शुरू हो चुका है। अब आगे कितना लंबा और जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। उसके बाद इस लिस्ट में जो नंबर वन पर नाम है उससे आप सब भली भांति परिचित होंगे और वो नाम है अभिमन्यु ईश्वरन का। बहुत सारे रन्स इन्होंने इस सीजन बनाए हैं। अगर रन्स की बात करें तो 5 मैचेस की 8 पारियों में 633 रन इनके बल्ले से निकले, 90.43 की एवरेज रही, 60.57 का स्ट्राइक रेट रहा, 302/50 इनके बल्ले से निकले। एक खिलाड़ी जिसको इंग्लैंड के दौरे से ये कह के वापस भेज दिया गया था कि इंटरनेशनल टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने के लायक नहीं है। और उसके बाद एक खिलाड़ी का काम क्या होता है कि बल्ले से आके रन बनाना और अपने बल्ले से जवाब देना, वो काम इन्होंने बहुत बखूबी किया है। बांग्लादेश में इंडिया ए टीम के कप्तान बन के गए, वहां इन्होंने बहुत सारे रन्स बनाए और इस साल इन्होंने एक बड़ा कीर्तिमान बनाया। ये आपको बहुत कम देखने को मिलता है कि खुद के बने हुए स्टेडियम में, खुद के नाम के बने हुए स्टेडियम में इनको मैच खेलने का मौका मिला और वहां पर 170 ऑड रन्स की पारी खेली। ये कल्चर आपको वेस्टइंडीज में देखने को मिल जाता है, वहां पर ब्रायन लारा के नाम पर स्टेडियम है, विवियन रिचर्ड्स के नाम पर स्टेडियम है, लेकिन एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर के नाम पे स्टेडियम का बनना और वहां पर उसका खेलना, यह बहुत बड़ा सहयोग था और जिसमें इन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। जैसे मैंने आपको बताया कि इस सीजन इन्होंने रन्स भी बहुत बनाए हैं और लगातार टीम इंडिया के साथ रहे हैं पिछली कुछ सीरीज में। नंबर जल्दी आने वाला है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दोस्तों ये थी ओवरऑल उन 5 खिलाड़ियों की लिस्ट जिन्होंने इस साल रणजी ट्रॉफी के सीजन में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। इनमें मैं टॉप पिक जरूर रखूंगा प्रदोष पॉल को, क्योंकि उस खिलाड़ी के खेल ने भी बहुत इंप्रेस किया है, उसके रन्स जिस जिन जगहों पर आए हैं उन्होंने बहुत इंप्रेस किया है। अब आगे आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा कि वो खिलाड़ी कहां तक जाता है। दोस्तों ये था ओवरऑल वीडियो, आपको पसंद आया है तो आप लाइक जरूर करें और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह के और वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।